जय श्री कृष्णा। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं शुक्रदेव की यह कथा। दैत्यों के गुरु शुक्र भगवान का वर श्वेत है। उनके सिर पर सुंदर मुकुट तथा गले में माला है। वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। उनके चार हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा वरद मुद्रा सुशोभित रहती है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं, ये योग के आचार्य हैं। अपने शिष्य दानवों पर इनकी कृपा सर्वदा बरसती रहती है। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। उसके बल से ये युद्ध में मरे हुए दानवों को जिला देते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्र भगवान ने असुरों के कल्याण के लिए ऐसी कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जैसा आज तक कोई नहीं कर सका। इस व्रत से इन्होंने देवाधिदेव शंकर को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने इन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। भगवान शिव ने इन्हें धन का भी अध्यक्ष बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य इस लोक और परलोक की सारी संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत आदि पर्व के अनुसार संपत्ति ही नहीं, शुक्र भगवान औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राण का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न कर ये प्राणियों के योग क्षेम का कार्य पूरा करते हैं। एक ग्रह के रूप में ब्रह्मा की सभा में भी उपस्थित होते हैं। लोकों के लिए ये अनुकूल ग्रह हैं तथा वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी तथा प्रत्यधिदेवता इंद्र है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्रदेव का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है, उसमें अग्नि के समान आठ घोड़े जुटे रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दंड है। शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ पूजा करना चाहिए तथा हीरा धारण करना चाहिए। चांदी, सोना, चावल, घी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, हीरा, सफेद अश्व, दही, चीनी, गौ तथा भूमि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिसे धाता विधाता दो पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगीरा के पुत्र
जीव यानी गुरु तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी शुक्र समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा का दायित्व लिया। कवि महर्षि अंगिरा के पास ही रहकर अंगिरा नंदन जी उसके साथ ही विद्याध्ययन करने लगा। आरंभ में तो सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वह कवि की उपेक्षा करने लगे। कवि ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास पहुँचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुनकर उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की। स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को देवों को भी दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की तथा कहा कि जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा। साथ ही ग्रहत्व प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा। तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाएंगे। अपनी विद्या से पूजित होकर भृगुनंदन शुक्र दैत्यों के गुरु पद पर नियुक्त हुए। जिन अंगिरा ऋषि ने उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया था उन्हीं के पौत्र जीव पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या देने में शुक्र ने किंचित भी संकोच नहीं किया। शुक्राचार्य कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध थे। इनको शुक्र नाम कैसे मिला इस विषय में वामन पुराण में कहा गया है, दानवराज अंधकासुर और महादेव के मध्य घोर युद्ध चल रहा था। अंधक के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होकर कुजंभ आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदिगढ़ महादेव से कहने लगे कि जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते हैं। ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व है। यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुख से निगल कर उदरस्त कर लिया। उधर में जाकर कवि ने शंकर की स्तुति आरंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको बाहर निकालने की अनुमति दे दी। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, पर कोई छोर न मिलने पर पुनः शिव स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिष्य से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शिष्य से निकल आए और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का कारक भी शुक्र ग्रह को ही माना जाता है।